दोस्तों अभी मैं जो है अपना पहला ऑर्डर मैंने पिक किया था वो जो था मेरा पहला ऑर्डर वो था अंकल डिलीवरी से, जो कि मेरे को विश्वकर्मा कॉलोनी से लेके नजफगढ़ जा रहा था, उसको मैंने पिक कर लिया। उसके बाद तुरंत मेरे को जो है पोर्टर से ऑर्डर आ गया था जो कि बदरपुर से लेके मुझे जाना था वो साउथ एक्सपोर्टला मुबारकपुर, तो फिर मैंने उस ऑर्डर को भी पिक कर लिया है। तो अभी मैं इस वक्त सेम टाइम पे दो ऑर्डर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि साउथ एक्सपोर्टला मुबारकपुर से नजफगढ़ जो है 29 किलोमीटर है और जहाँ से मैंने पिक किया था विश्वकर्मा कॉलोनी से वहाँ से 22 किलोमीटर। तो इसलिए मैंने कहा मुझे जाना उसी रूट पे, तो क्यों ना मैं जो दूसरा ऑर्डर आ रहा था वो पिक कर लेता हूँ। वो भी मैंने जो है एक साथ दो दो ऑर्डर जो पिक किया है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये जो है ये पहला ऑर्डर है जो मेरे को मिला है विश्वकर्मा कॉलोनी से, जो मुझे जाना है नजफगढ़ लेके, और इसके साथ ही मेरे को जो दूसरा ऑर्डर मिला था वो ये है जो कि मुझे लेके जाना है साउथ एक्सपोर्टला मुबारकपुर। तो इसको मैं लेके चलता हूँ, चलिए अब लेके चलते हैं, कोई राइड दिखाते हुए लेके चलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस वक्त अभी मैं खड़ा हूँ अपोलो हॉस्पिटल के पास। चलिए अब चलते हैं। दोस्तों अभी मैंने अपना पहला ऑर्डर जो है पोर्टर वाला जो है वो भी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब मैं जा रहा हूँ अपना दूसरा ऑर्डर जाना उसके बाद। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब मैं अपना पहला ऑर्डर जो है सबसे पहले छोड़ूंगा साउथ एक्सपोर्टला छोड़ कर, उसके बाद फिर वहाँ से निकलेंगे हम लोग नजफगढ़ के लिए। इसलिए मैंने काफ़ी देर तक ट्राई किया कि बोर्जो में कोई ऑर्डर मिल जाए, तो एक ऑर्डर मिला भी था 350 समथिंग का था बोर्जो का, लेकिन वो वहाँ पर ही गायब हो गया, क्योंकि बोर्जो में अभी ऐसा हो रहा है कि जैसे कि कितने राइडर वैन में बैठे हुए, जैसे 100 से ऊपर का कोई भी ऑर्डर आता है वो आते ही तुरंत गायब हो जाता है, मतलब इतनी जल्दी लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने कई बार कोशिश किया, कई ऑर्डर मेरे को दिखे बोर्जो पे, लेकिन वो ऑर्डर मेरे हफ्ते ही नहीं लगा, बहुत कोशिश किया मैंने। देखते हैं अब जब तक है, ये छोड़ने के बाद यही कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कि अंकल डिलीवरी का ऑर्डर लिए हुए मेरे को लगभग 1.25 घंटा से ऊपर हो गया, क्योंकि मेरे को पोर्टर वाला नहीं, कम से कम आधा घंटा मेरे को पोर्टर वाला ही लगा दिया टाइम, क्योंकि जो इसने जो लिया हुआ मैंने इससे जो ऑर्डर था वो कहता क्या मिल ही नहीं जा रहा, इसलिए कहीं और से मंगा के फिर ये मेरे को टेप दिया है, चलो ये हमारे पास फाइल ही ख़त्म हो गया था, इस वजह से मुझे पोर्टर में 1.5 घंटा से ऊपर लग गया था। मैं जब तक तो मैं ये पोर्टर का ये ऑर्डर डिलीवर भी कर देता और अपना नजफगढ़ के लिए आधा रास्ता पार भी कर चुका हुआ था, उसके लिए आपको मुंबई में ही देखने को मिलेंगे रोड के साथ साथ रेलवे ट्रैक। उस वक्त मैं आ गया हूँ जो है अपना सी आर आई की तरफ आ गया हूँ, सी आर आई के बाद अपना सीधा ओखला मोड़ से फिर बस्तम नगर के लिए मुड़ेंगे, वहाँ से लखनऊ तक। मौसम तो आज ऐसा है कि कभी एकदम से बूंदाबांदी जा रही है, कभी एकदम से धूप हो जा रही है, और अब देखो मौसम कितना सुहाना हो गया है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते मौसम का, दिल्ली का मिजाज का भी कुछ कह नहीं सकते मौसम के मिजाज का, सेम सब अभी मुंबई वाला फीलिंग दे रहा है, जैसे मुंबई में पल में बारिश पल में धूप, तो अभी वो सिचुएशन मुंबई में हो गया है, मुंबई का सिचुएशन अभी दिल्ली में हो गया है, तो अभी दिल्ली में इंजॉय कर रहे हैं मुंबई का मौसम। भाई रेड हो जाए इसके पहले आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ के भी क्या कर लेंगे यार, अभी तो यही सब ठीक ही है। 101 ट्रैफिक और अभी जम के बारिश हो जाए बहुत तगड़ी ट्रैफिक हो जाएगी, कल भी बहुत तगड़ी बारिश हुई थी, कल तो कुछ ज़्यादा तगड़ी बारिश हुई थी, कल वैसे किया था मैंने एक दो ऑर्डर किया था कल,
लेकिन उसका मैंने फिर ब्लॉगिंग वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बारिश ही बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए कल कोई वीडियो बना नहीं पाया मैं। अंकल डिलीवरी वाला और 175 का है इसका पोर्टर का, जिसका मैं कस्टमर से 200 लूँगा क्योंकि उसके लिए मुझे इंतजार काफ़ी करना पड़ा। नहीं भाई सब ट्रैफिक ट्रैफिक, शाबाश ट्रैफिक तो कम हुआ, असलम का अंडरपास बनने से फर्क पड़ा है ट्रैफिक से। मेरे पहले किसी भी टाइम आओ एनी टाइम ट्रैफिक रहता था। दोस्तों अभी मैंने जो है वो अंकल डिलीवरी वाला ऑर्डर मैंने ड्रॉप कर दिया था रिजर्वगढ़ में, और वहीं से मेरे को ये ऑर्डर मिल गया था, ये भी अंकल डिलीवरी का ये पार्सल है। तो उससे मुझसे जब मैं गया तो मैंने कहा भाई ये तो डबल पार्सल है, ये मैंने जाने का हुआ जिसका 260 रुपये अंकल डिलीवरी में शो कर रहा था। मैंने कहा भाई अगर ये आपको ले जाना है तो आपको इसको मेरे को जो है आप इसको देना पड़ेगा 350 रुपये, अगर दोगे तो मैं ले जाऊँगा नहीं तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है आप ले जाओ, उसने मुझे 350 दिया तो मैं लेके जा रहा हूँ नजफगढ़ से, अब वहाँ लेके जा रहा हूँ मैं इसको करोल बाग। तो अभी आप जो है ये जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया ऑर्डर उसको मैं लेके जा रहा हूँ अभी करोल बाग, क्योंकि ऑर्डर ही इतना ज़्यादा है कि इसके अलावा मैं कोई ऑर्डर में पिक नहीं कर सकता, नहीं तो बोर्जो से या मोटर का लोन कर लेता, लेकिन आज बोर्जो को करने का मौका नहीं मिला और मोटर से ये बोला जो लेके आया था अंकल डिलीवरी का ये दूसरा ऑर्डर आया और लेके चल करोल बाग, वहाँ जाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं वहाँ देखते हैं कि क्या हमें ऑर्डर मिलता है। इसको यही कराऊँ यहाँ पर चाउमिन लेके खा रहा हूँ अभी, अगर देखो टाइम दे रहा है उसके बाद मेरे को इसके शाम हो गया तो ये चाउमिन खा रहे खा लिया और खा रहे हैं मोमोज। बाकी बहुत तेज की भूख लगी थी, आप लोग लग रहा हो रख जाएंगे खाने। दोस्तों जो मैंने और तुम्हें बता रहा हूँ अभी जो मैंने जो वहाँ से जो ऑर्डर लिया था अंकल डिलीवरी का, वो मैंने करोल बाग में ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैं वहाँ काफ़ी इंतज़ार कर रहा था लेकिन मेरे को ऑर्डर से ऑर्डर आया तो, लेकिन वो जा रहा आ रहा था नजफगढ़ के लिए, दूसरा एक ऑर्डर भजा तो फिर वो भजा मेरे वहाँ के लिए भवाना के लिए। उसके बाद मैंने पोर्टर बंद ही कर दिया, मैंने कहा दोबारा कहीं भेजे तो कहीं हाल आईडी ब्लॉक ना कर दे मेरा ये। तो वहाँ से फिर मैं खाली आया यहाँ तक जसो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी तक, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी से फिर मेरे को जो है एक रैपिडो में राइड मिल गया
जो कि था यहाँ का फरीदाबाद सेक्टर 37 का, ये फरीदाबाद सेक्टर 37 में उसको ड्रॉप करके अब मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ। देखो ट्रैफिक कितना है, मैंने सारा लगभग सारा ऐप मैंने बंद ही कर दिया। अभी वैसे भी टाइम हो रहा ज़्यादा, चेक पोस्ट लगा रखा है, चेक पोस्ट की वजह से है या फिर टोल की वजह से है। चेक पोस्ट की वजह से चलिए यहाँ हम चलते हैं टोल से। यहाँ से सीधा हम निकले अपने घर के लिए, ये फरीदाबाद पीछे रह गया, हम दिल्ली में एंट्री कर गए। हम हमने अपना मोटर का पहला ऑर्डर यहीं से उठाया था बदरपुर मेट्रो से, और ये लो जी आप लास्ट हम बदरपुर मेट्रो स्टेशन पे आ गए। अब यहाँ आकर चलते हैं, और घर भी हमारा यहाँ से पास ही है, 1 किलोमीटर एक आसपास ही है, आसमान से ज़्यादा दूर नहीं है। जहाँ से शुरुआत किया था आज वहीं के एंड हो गया, तो मिला जुला ये काम जो है आज लगभग 1000 रुपये का हो गया है काम, जिसमें आज अंकल डिलीवरी का जो है मैंने 2 ऑर्डर किया था, तो अंकल डिलीवरी में मेरे को इंसेंटिव दिया है 70 रुपया, तो अंकल डिलीवरी का जो कमीशन था उसका इंसेंटिव में बराबर हो गया। वैसे भी अंकल डिलीवरी का आज ऑर्डर मैंने अंकल डिलीवरी के रेट से नहीं लिया, अपने रेट से लिया है मैंने अंकल डिलीवरी का, दोनों ही ऑर्डर इस तरह से किया मैंने, क्योंकि उनके रेट से काम ही नहीं किया मैंने। और यही हाल रहा पोर्टर का, पोर्टर का भी जो है मैंने क्योंकि जहाँ से मुझे पिकअप करना था वहाँ पर उसने 1/2 घंटा लेट कर दिया था, तो उससे भी मैंने 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया था, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था उसको कि भाई साहब बहुत लेट हो रहा है, या तो मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ नहीं तो फिर एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप एक्स्ट्रा ले लेना, लेकिन ऑर्डर ले जाओ। तो पोर्टर का तो जो उसने ऑनलाइन जो कूपन लगता 50 रुपये का, वो 50 रुपये मैंने एक्स्ट्रा इन लोगों से ले लिया था ऑर्डर, जो कि 125 के आसपास का ऑर्डर था, मैंने इनसे 200 रुपये ले लिया था पोर्टर का। और अंकल डिलीवरी का जो था 350 का, जो मैंने आपको दिखाया वीडियो में, उसका 350 लिया, और जो दूसरा वहाँ से उठा कर लेजरपुर से उठा के टोल बाग ज़्यादा लेट देने, उसका भी 350, 900 ही हो गए। और अभी लगभग रैपिडो का राइड जो है 100 रुपये का लगभग ये बन गया था, और क्योंकि इसका 1000 हो गए, 1000 में आप 200 रुपये काट लो उसका पेट्रोल का। ओके टाटा बाय बाय।